हेलो स्टूडेंट्स, एमए क्लासेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन को बताऊंगा। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि लेट फाई बी द लीनियर फंक्शनल ऑन आर स्क्वायर डिफाइंड बाई फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई। ये फाई एक लीनियर फंक्शनल है, आर स्क्वायर में डिफाइंड है, इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मैपिंग्स, लीनियर मैपिंग्स के जगह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है। तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर मैपिंग या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू टू आर स्क्वायर फाइंड टी स्टार ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पर दो सवाल मैं बता रहा हूँ, एक फर्स्ट ये सेकेंड। इस तरीके से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन किया गया इस फर्स्ट में, और सेकेंड में यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन किया गया। क्या क्वेश्चन कहता है जरा समझिए। सबसे पहले तो यहाँ पर आर स्क्वायर में एक लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया गया है। तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? वेक्टर स्पेस से उसके फील्ड में डिफाइंड होने वाला एक फंक्शन होता है। तो फील्ड इसका क्या होगा? ये टू टपल्स का वेक्टर स्पेस है, तो इसका फील्ड जो है वो आर होगा, रियल नंबर का सेट होगा। और फाई जो है वो लीनियर फंक्शनल है, मतलब आर स्क्वायर से आर में डिफाइंड होगा। किस तरीके से डिफाइन किया गया है? फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई। फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू यहाँ पर डिफाइन किया गया थ्री एक्स माइनस टू वाई। किसी भी एलिमेंट का अगर यहाँ पर जो भी एलिमेंट लेंगे वो टू टपल्स होगा। मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग थ्री और फाइव ले लेते हैं, तो इसका इमेज क्या आएगा? देखिए, फाई ऑफ थ्री फाइव का वैल्यू आएगा थ्री इंटू एक्स की जगह यहाँ पर थ्री है और माइनस टू वाई की जगह फाइव है, तो नाइन माइनस टेन हो जाएगा, मीन्स माइनस वन आएगा। तो ये माइनस वन के साथ एसोसिएट हो रहा है। तो इस तरीके से ये लीनियर फंक्शनल डिफाइंड है, टू टपल्स के वेक्टर स्पेस से फील्ड में डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी है आर क्यू से आर स्क्वायर में। यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो, या इसको लीनियर मैपिंग भी कह सकते हैं। तो आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइंड हो रहा है ये। और मैं फर्स्ट क्वेश्चन को अगर बताता हूँ तो देखिए, मैं फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आप लोग खुद बनाइएगा, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो टी एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया? टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका इमेज कितने के बराबर है? एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस में डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पर जो भी एलिमेंट लेंगे वो थ्री टपल्स का होगा, आर क्यू है, तो थ्री टपल्स मान लेते हैं। यहाँ पर एलिमेंट हम लोग टू वन और फाइव ले लिए। तो अगर इसका इमेज निकाले तो ये इमेज क्या होगा? एक्स प्लस वाई, मतलब फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट का सम, तो टू प्लस वन हो जाएगा। और फिर वाई प्लस जेड, सेकेंड और थर्ड कंपोनेंट का सम, तो वन प्लस फाइव हो जाएगा। तो ये किसके साथ एसोसिएट हो रहा है? थ्री सिक्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। अब इस तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया गया है। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन का क्या निकालना है हम लोग को? ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड। याद कीजिए, ट्रांसपोज कैसा डिफाइन किया गया? टी स्टार ऑफ फाई, टी स्टार ट्रांसपोज क्या होता है? इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसपोज होगा क्या? जैसे ये आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइंड है, तो यहाँ आर स्क्वायर का जो ड्यूअल होगा, आर स्क्वायर का जो ड्यूअल होगा उससे आर क्यू के ड्यूअल में डिफाइंड होगा। ये आर क्यू के ड्यूअल में डिफाइंड होगा। और इसको टी स्टार कैसे डिफाइंड होता है? अगर यहाँ कोई भी एलिमेंट अगर हम लोग फाई ले लें, आर स्क्वायर मीन्स क्या हुआ? आर स्क्वायर का ड्यूअल है तो लीनियर फंक्शनल होगा। तो लीनियर फंक्शनल आर स्क्वायर में, यहाँ पर लीनियर फंक्शनल एक हम लोग को फाई दिया हुआ है, फाई जो है वो एक लीनियर फंक्शनल है, आर स्क्वायर में डिफाइंड हो रहा है। तो आर स्क्वायर में जो लीनियर फंक्शनल डिफाइंड किया गया उसका इमेज क्या आएगा यहाँ पर? तो टी स्टार फाई अल्फा, ये डिफाइंड किया गया इस तरीके से, फाई ऑफ टी अल्फा इस तरीके से डिफाइंड किया गया है कि इसका जो इमेज होगा वो फाई ऑफ टी, ये दोनों का कंपोजिशन हो जाएगा। फाई और टी दोनों का कंपोजिशन होगा। फाई का अगर इमेज निकालेंगे टी स्टार, तो ये फाई और टी का कंपोजिशन हो जाता है, मतलब टी स्टार ऑफ फाई इक्वल टू क्या आता है? फाई ओ टी। ये फाई और टी का ये कंपोजिशन हो जाता है। इस तरीके से डिफाइन किया गया टी स्टार फाई ऑफ अल्फा इक्वल टू फाई ऑफ टी अल्फा। तो यहाँ निकालना है हम लोग को टी स्टार फाई ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? अल्फा जो होता है वो
आर क्यू का एलिमेंट होगा। तो आर क्यू का एलिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, आर क्यू यहाँ पर थ्री टपल्स होगा, तो एक्स वाई जेड ये दिया हुआ है, यही हम लोग को निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग ये कैसे निकलेगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं गिवन लीनियर फंक्शनल इज, गिवन लीनियर फंक्शनल इज फंक्शनल ऑन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में जो लीनियर फंक्शनल डिफाइन किया गया है, लीनियर फंक्शनल और आर स्क्वायर इज कैसे डिफाइन किया गया, फाइ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू वाई एंड गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू टू आर, आर क्यू से आर स्क्वायर में डिफाइन किया गया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम आर क्यू टू आर स्क्वायर डिफाइंड एज, मैं फर्स्ट वाला बता रहा हूँ, तो डिफाइंड एज ये दिया हुआ है टी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। वी नो दैट, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि वी नो दैट टी स्टार ट्रांसपोज कहलाता है, ये ट्रांसपोज ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड, ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी कहलाता है। एक्स वाई जेड की जगह अगर हम लोग यहाँ अल्फा लिखें तो इसका डेफिनेशन होता है फाई ऑफ टी अल्फा, इस तरीके से डिफाइंड होता है। फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा कहाँ का मेंबर होता है, आर क्यू का मेंबर होगा, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू आर क्यू एंड फॉर ऑल फाई, फाई कहाँ का मेंबर होता है, आर स्क्वायर के डुअल स्पेस का मेंबर होता है, आर स्क्वायर के डुअल स्पेस का मेंबर होता है, मतलब आर स्क्वायर का ये लीनियर फंक्शनल होता है। तो इस तरीके से डिफाइंड किया गया है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर टी स्टार फाई ऑफ अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा की जगह क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पर देयर फोर फाई रहने देते हैं और टी अल्फा, अल्फा के जगह है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसका वैल्यू हम लोग लिख जाते हैं टी ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ये तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये है एक्स प्लस वाई कॉमा वाई प्लस जेड। अब फिर इसका वैल्यू लिखेंगे फाई ऑफ एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड। यहाँ पर देखिए फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई कैसे डिफाइन किया गया है, थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट माइनस टू टाइम्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, तो थ्री टाइम्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट थ्री इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू टाइम्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट टू टाइम्स ऑफ वाई प्लस जेड, ये लिख गए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई माइनस टू वाई, थ्री वाई है माइनस टू वाई माइनस टू जेड, तो यहाँ पर ये आ रहा है थ्री एक्स थ्री वाई में टू वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे वाई माइनस टू जेड, तो ये आंसर हो गया। अब सेकेंड जो है इसका आप लोग खुद बनाइएगा, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसका ट्रांसपोज जो है वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोज को टी डैश से भी डिनोट करते हैं, टी स्टार से या टी डैश से, या टी और यहाँ पर टी लिख देते हैं, स्मॉल टी लिखते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो ये तीन सिंबल है ट्रांसपोज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करने का, टी स्टार टी डैश और टी टी। अब देखिए ये सेकेंड का मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ, सेकेंड आप लोग खुद बनाइएगा, तो इसका आंसर टी स्टार ऑफ फाई ऑफ एक्स वाई जेड, इसका वैल्यू आएगा इक्वल टू माइनस एक्स प्लस फाइव वाई प्लस थ्री जेड, इसका आंसर ये होगा, ये आप लोग खुद कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बताया हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।